हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैन इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास तक हमने ये पढ़ लिया है कि साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट और मेरे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैसे बनता है और इन सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में और जितना भी कुछ हमें इस हाई स्कूल के लेवल पे पढ़ना था वो सारी बातें हमने सीख ली है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पूरी सीरीज कर रखी है इस चैप्टर पर, स्टैटिक्स आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हो। हम बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे आ चुके हैं जहाँ पर मुझे कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना होता है, छोटी मोटी जानकारी लेनी है कि सर सॉल्ट कैसे बनता है और कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, कुछ रिएक्शंस के बारे में और इसके यूजेस के बारे में छोटी मोटी बातें। ठीक है, और वैसे तो हम एसिड बेस सॉल्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अपना क्लोर एल्केली प्रोसेस यानी कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया थी, ठीक है, इसमें हम लोग और भी बातें कर सकते हैं और भी थोड़े से अच्छे लेवल पर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अपने टेंथ के लेवल पर ना उतना सफिशियंट है कि भाई सब क्लोरीन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, जो भी कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, तो आप लोग उतना ध्यान रखते हो तब भी वहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, और बताने को तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है, अच्छे लेवल पर। ठीक, चलिए, तो आज जैसा कि पिछली क्लास में हमने दो सॉल्ट को कवर किया था, ऐसे ही आज फिर हम दो सॉल्ट को कवर कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में सर अपना ये टॉपिक कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि समय में इसको टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे समझनी चाहिए कि अब इन टॉपिक से ना जो रिएक्शंस वाला पार्ट है ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है। ठीक, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रिपरेशन है कैसे बनता है भाई, ये बताओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ने को मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा दिखाकर, है ना, अब मैं थोड़ा सा लिखूंगा कम। ठीक, अब देखिए, यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके सिलेबस में ये मेंशन है तो कुछ ऊट पटांग रिएक्शंस आ सकती हैं ज़्यादा। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना, हो सकता है वो NCERT में गिवन ना हो। ठीक, तो CBSE बोर्ड में ना इस टाइप की चीज़ें कम आती हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में फालतू के रिएक्शंस वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक, इस वजह से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जबकि इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है हम 11th 12th में जाके समझते हैं, तभी मैं आपको बस रिएक्शन दिखा के समझा दूंगा कि देखो, देख भाई ऐसे रिएक्शन होती है। ठीक, अच्छा, अब देखिए, पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया कि सर क्लोरीन गैस बन गई थी, ठीक है, अब इस क्लोरीन गैस का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, जो कि अपना आज का नया आदमी है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, नया बनता है। तो सर आज हमें देखना है, आपको पता भी है थंबनेल देखकर, कि सर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में क्या है कि 10th क्लास में ना केमिस्ट्री के वही पार्ट रखे गए हैं जो एक्चुअल में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक, अब देखिए, हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं सर? विरंजक चूर्ण, क्योंकि पाउडर को हिंदी में बोलते हैं सर हम चूर्ण। ठीक है, अब देखिए कुछ खास खास बातें क्या है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला सर क्या है, तो CaOCl2, है ना, CaOCl2, या फिर इसी को सर हम ऐसे भी लिखते हैं CaOCl Cl, ठीक है, CaOCl2। ठीक है, बिकॉज ये ऐसा इसलिए है कि बेसिकली ना जो ब्लीचिंग पाउडर है ये इसका इंडस्ट्रियल नेम है ना, यानी कि जो इंडस्ट्री का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जो इसका व्यावसायिक नाम या फिर जो इसका व्यापारिक नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर है, इस नाम से जाना जाता है। वैसे इसका सर केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो एक्चुअल में ना केमिकल फॉर्म इसका ये है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नॉर्मली हम लोग बोलते थे सर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैल्शियम क्लोराइड, ओ ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसे हम लाइम ऑफ क्लोराइड भी बोलते हैं सर, यानी कि चूने का क्लोराइड। हमने ये लाइम जो वर्ड है ना, लाइम ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड है ना, हिंदी में कहे तो हम चूने का क्लोराइड। ठीक है, जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने खूब पढ़ा था बुझा हुआ चूना, अनबुझा हुआ चूना, तो ये वही चूने का मतलब, चूने को इंग्लिश में लाइम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़, तो खैर ये क्लियर है सर कि कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे ये, या फिर ये केमिकल नेम सर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे हम CaOCl Cl लिखते हैं और नॉर्मली हम इसे CaOCl2 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात सर बनता कैसे है, यानी कि प्रीपरेशन। अब देखिए ये वाले पार्ट ना मैं समझा रहा हूँ बस आपको,
आपको एनसीईआरटी बुक में देखते रहना एक बार, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये है, ठीक। अच्छा, इसी चैप्टर में या फिर हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा था। अब देखिए वही बात है ना कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक चलता है, तो आप पहला चैप्टर देख के आर ओ ये मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। आपको याद है हमने पढ़ा था सर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते थे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, हम शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी कि जो शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हम क्लोरीन गैस फ्लो करवा देते हैं, तब जाके मुझे सर क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सर क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, है ना, ड्राई स्लेक्ट लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, तो शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना, हमने बात कर रखी है बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, वही अपना क्लोरीन गैस फ्लो करवाते हैं, है ना। ये सर कैसे बनाता, जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी, क्लोर अल्कली प्रोसेस से, ठीक। तब क्या होगा, अब देखिए रिएक्शन कट टू कट हमें ध्यान रखने की, सर CaOCl2 बनता है प्लस वाटर भी बनता है, तो ये बन गया सर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। यानी कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस का फ्लो करवाते हैं, तब सर मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और ऐसे वाटर निकल जाता है, ठीक है, ये चीज़। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना यही रिएक्शन है, कैसे बना। अब इसके बाद क्या क्या बातें आती है कि सर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बेसिकली ये पीले रंग का पाउडर है, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के कुछ इमेजेस आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको फिजिकली दिखता कैसे ये पता चल जाए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अच्छा, मैंने क्या बोला सर, ये अपना पीले रंग का पाउडर है, कैसा सर, पीले रंग का। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूज़ के बारे में हम बताते हैं। अब देखिए ब्लीच, आपने वर्ड सुना होगा कि डू नॉट यूज़ ब्लीच कपड़ों पे, जो कपड़ों को साफ़ करने के लिए जो सामान आते हैं, है ना। बेसिकली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये ना कपड़ों से कलर को हटा देता है, मतलब जहाँ पे कलर होता है ये उसको रंगहीन करने के काम आता है, है ना। यानी कि सर ये कपड़े वाली इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कलर को हटाने के लिए, कपड़े से दाग धब्बे को हटाने के लिए, लाउंड्री आपने देखा होगा तो वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े वाले उद्योग में, और पेपर मिल्स में भी यूज़ होता है, लकड़ी वाली इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, वुड वाली इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, वहाँ से कलर को हटाने के लिए, दाग धब्बे को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर की केमिस्ट्री ये है कि जो कपड़ा है ना, कपड़े का जो रंग है, ये क्लोरीन की वजह से ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, है ना। ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन प्रेजेंट है। इतना टेंथ क्लास में नहीं पूछते हैं, कहने को हम ये समझ सकते हैं कि सर कपड़े का रंग क्यों हटा, क्योंकि जो कपड़े के रंग का ऑक्सीडेशन हो गया सर क्लोरीन के द्वारा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें अपनी आसानी भाषा में, पहला यूज सर क्या है, रंग को हटा देना, रंग को उड़ाने के लिए, ठीक है। अब कपड़े का रंग हट सकता है, पेपर मिल में है ना, कागज वाले उद्योग में भी यूज होता है, ठीक। और फिर मैंने सर क्या बोला, लकड़ी वाली इंडस्ट्री में भी, वहाँ से भी सर है ना, डिफरेंट टाइप के कलर्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए मेरे पास ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है, ठीक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है, कि जो अपने जर्म्स और बैक्टीरिया है, इनको किल करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि सर पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि सर पानी को पीने लायक बनाना, पानी में जो जीवाणु वगैरह है ना, इनको मारने के लिए, किल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और अपने केमिस्ट्री में ही ना, और भी बहुत सारे कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। जैसे कि एक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म कैसे बन रहा है। यहाँ पर बस मैं 10th क्लास में आपको सुना रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए करते हैं। अब वहाँ पे हम लोग एसीटोन और अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तब क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक, ये चीज़। और ब्लीचिंग पाउडर का ऐसा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम में लाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बता रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में, आपको याद होगा, ठीक है ये। तो सर क्या क्या बता दिया आपने, कि सर ये पीले रंग का दिखता है, पीले रंग का पाउडर है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, और सर आपने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा यूज़ कपड़े से रंग को हटाने के लिए, ठीक है, यानी कि कपड़े वाली इंडस्ट्री में, फिर कागज वाली इंडस्ट्री में और लकड़ी वाली इंडस्ट्री में। फिर सर आपने क्या बोला कि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, है ना, अपने रिएक्शंस के लिए, ठीक है। फिर सर आपने क्या बोला कि ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, यानी कि जो पानी में जो अपने जीवाणु विषाणु है ना, इनको मारने के लिए,
ठीक है। फिर सर आपने बोला कि क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इतना हमने देख लिया। चलिए अब ये रिएक्शन देख लिया, अभी मैं काम काम की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, है ना। अब कुछ इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवेन है, ठीक। चलिए, है ना। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के सर प्रमुख गुण। सबसे पहले हम देखते हैं सर भौतिक गुण। सर कौन सा गुण? भौतिक गुण। भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, हम बता चुके हैं पहले भी। व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। इस टाइप की केमिस्ट्री को पढ़ाने का यही तरीका होता है सर, स्लाइड के फॉर्म में बता देना, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ना हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। अब देखिए, इसमें क्लोरीन कंटेंट है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि व्यंजक चूर्ण में क्लोरीन कंटेंट होता है, इसकी वजह से क्लोरीन की विशेष गंध आती है, बस आपको ध्यान रखना है। इसे जल में घोलने पर दुधिया विलयन या फिर निलंबन प्राप्त होता है। अच्छा, आपको इससे पहले मैंने बताया था कि दुधिया विलयन बनता है इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना, मिल्कीनेस वाला विलयन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी जब इसे हम वाटर में घोलेंगे तो मिल्कीनेस जैसा मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे हम दुधिया विलयन बोल रहे हैं, या फिर इसे हम लोग सस्पेंशन यानी कि निलंबन बोलते हैं, ठीक है। अभी निलंबन वगैरह क्या है और भी डिटेल्स हम 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। पृष्ठ रसायन नाम का एक चैप्टर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मल से आपको ध्यान रखना है कि सर जल में घोलने पर ये दुधिया विलयन देता है, यानी कि दूध के समान विलयन मिलता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, है ना, ये चीज़। अब ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बनाए, ठीक। अच्छा, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको आपको बताता हूँ, ठीक है। यही केमिकल प्रॉपर्टी मैं बोल रहा था, मैं चाहूँ तो रिएक्शन आपको लिख के बता दूँ, सेम टू सेम मैं चीज़ें इसमें लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ 10th के लेवल के हिसाब से, तो आपको रिएक्शन देख कर ही समझा दूंगा, आपको यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा, और मैं इसमें मार्क भी कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत नहीं ध्यान रखना, कुछ छोटी मोटी बातें जो मुझे ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ ना कि आप पिछले पूरे लेक्चर्स मैंने देख चुके हो, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं जिससे कि आज के लेक्चर तक में आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। अच्छा सर, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण के बारे में अगर हम बात करें तो सर सबसे पहले दिख रहा है जल के साथ गर्म करने पर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी सर क्या है कि जब हम जल के साथ इसे हम गर्म कर देते हैं तब क्या होता है, तो आप देखो ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलने पर, घोल के गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है, तो ब्लीचिंग पाउडर में सर क्लोरीन गैस है, है ना। अच्छा, यही क्लोरीन गैस क्या कर रही थी, उस कपड़े के रंग को हटा रही थी, कपड़े के रंग को हटा रही थी, ठीक है। अभी मैं आपको वो इमेज भी दिखा दूंगा कि पहले कपड़े का रंग अच्छा था, ब्लीच करने के बाद कपड़े का रंग हट जाता है, तभी आपने देखा होगा ना बहुत सारे डिटर्जेंट में ब्लीचिंग पाउडर अगर होता है, बोलते हैं ना उन्हें हम ब्लीच मत करो, क्योंकि ब्लीच करने पर क्या होगा, वो कलर हटा देता है और कपड़े को बहुत ही कमज़ोर भी कर देता है, तो डू नॉट यूज़ ब्लीच, ऐसा लिखा होता है कपड़ों पर, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर इमेज आपको दिख रही होगी कि पहले रंग कुछ और था, बाद में रंग कुछ और हो गया कपड़े का, ठीक है। और भी इमेज अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। चलिए हम इस पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं कि सर क्या हुआ। तो अब देखो रिएक्शन CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड अपने पास जो ब्लीचिंग पाउडर है, वाटर के साथ हीट करने पर क्या हुआ कि वही अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इसका उल्टा हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो क्या बन गया था, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, है ना। अब इसका हम रिवर्स पढ़ रहे हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ हीट किया गया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्लोरीन गैस निकल गई। आपको दिख रहा है ना एरो के ऊपर, यानी कि उसका मतलब क्या है, क्लोरीन गैस निकल जाना, ठीक है। सिंपल से रिएक्शन है, आप ध्यान रख सकते हो, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, ऊष्मा का प्रभाव, गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब हीट करते हैं ना, आपको याद है मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया था कि हीटिंग की वजह से क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, उसमें विघटन, याद है, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, विघटन, हीट करने पर विघटन होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है, याद है आपको, तो इस वजह से ना पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो सर क्या हुआ, कैल्शियम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हीट किया गया तो ये विघटित हो गया, दो अलग अलग यौगिक में टूट गया, एक सर क्या है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब इसमें से खास बात आप ये ध्यान रख सकते हो कि सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को ऊष्मा का प्रभाव यानी कि हीट करने पे ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, और पानी के साथ गर्म करने पर ना क्लोरीन गैस निकल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखो,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तनु अम्लों से क्रिया। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, यानी कि यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और सीबीएसई में तो ये रिएक्शन कम पूछी जाती है, ठीक है। खैर पढ़ने को आप पढ़ सकते हो। अब आगे देखो, ब्लीचिंग पाउडर की जो थर्ड पॉइंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तनु अम्लों से क्रिया, तो ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तनु अम्लों से की अधिक मात्रा में क्रिया करने से क्लोरीन गैस निकलती है, जिसे हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम केसेस में ना ब्लीचिंग पाउडर के केस में क्लोरीन गैस ही निकल रही है, ठीक है। तो इस केस में आप देखो, फर्स्ट रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तब सर क्लोरीन गैस निकलती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। क्या सर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकल रही है। तो इस केस में इस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो अब जो क्लोरीन गैस निकल रही है इसका नाम सर क्या, प्राप्य क्लोरीन। क्या नाम है, प्राप्य क्लोरीन। तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्राप्य क्लोरीन कब बनता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दें या फिर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा दें तब जो क्लोरीन निकल रही है इसे हम सर क्या बोलते हैं, प्राप्य क्लोरीन, ठीक है। आपको दिख रहा है ये चीज़। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, ब्लीचिंग पाउडर है फिर क्या सर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, H2SO4, ठीक। अच्छा एक बार ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो H2SO4 है ना वो अधिक की मात्रा में, नीचे लिखा है ना अधिक, अधिक को बोलते हैं हम एक्सेस, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में है तभी ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ऊपर क्या था, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaO यानी कि कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया, तो CaCO3 फिर Cl2। नेक्स्ट आप देखो, कैल्शियम है और H2SO4 है, इधर सल्फेट, यहाँ पर कैल्शियम है, तो अब की बार कैल्शियम का सल्फेट बन गया है, ठीक है, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो CaOCl2 फिर H2SO4, तो Ca और SO4 से सर कैल्शियम का सल्फेट बन गया, H2O निकल गया और क्लोरीन गैस निकल गई, इस जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राप्य क्लोरीन, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जब अधिक के अधिक मात्रा में है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अपने पास डाइल्यूट एसिड अधिक की मात्रा में होगा तब क्लोरीन निकलती है, जिसे हम प्राप्य क्लोरीन बोलते हैं, ठीक। अच्छा नीचे देखो एक पॉइंट और लिखा है, साधारण ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 35% प्राप्य क्लोरीन होता है, यानी कि जो नॉर्मल हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं वहाँ पर 35% प्राप्य क्लोरीन होता है, एज ए इन्फॉर्मेशन है बस, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे आ जाओ फोर्थ वाले पॉइंट पे, तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया। अभी तक क्या था कि अगर अम्ल ज़्यादा मात्रा में होता है तो क्या बनता है सर, क्लोरीन गैस निकलती है, हमने पढ़ लिया। अब अगर यही कम मात्रा में होगा, ये भी मैटर करता है ना केमिस्ट्री में कि वो अधिक मात्रा में कि कम मात्रा में है, ये सब चीज़ें ना 12th क्लास में जाके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर 10th क्लास में आप इतना बस देख लें। क्या लिखा सर फोर्थ पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl बनता है। यही आपको ध्यान रखना है कि जब हम कम मात्रा में यूज़ करेंगे तो सर HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, जबकि अधिक मात्रा में यूज़ करने पर मेन जो अपना था क्लोरीन गैस निकल रही थी इसके ऊपर वाले में, क्या ना, ठीक। जिसे हम अपघटन से नवजात ऑक्सीजन, जिसके अपघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि अब इस हाइपोक्लोरस एसिड का अगर हम डिकम्पोजिशन कराए तो नेसेंट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन निकलता है जिसका नाम सर क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए आप, सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फिर वही अपना CaOCl2 H2SO4 से यूज हुआ, अब की बार ये अल्प मात्रा में है ना, कम मात्रा में है, ठीक है। तब क्या बना, CaCl2 है ना, अब की बार देखिए CaCl2 भी बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट भी बन गया, ठीक है। मेन सर क्या मुझे ध्यान रखना है, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, क्या बना सर, HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। ये तो अगर H2SO4 कम मात्रा में होगा तो HOCl बन जाएगा। नेक्स्ट आगे रिएक्शन देखो आप, CaOCl2 फिर HCl, फिर HCl यूज़ हुआ, ना बोला जाए जब तक, तब तक क्या होता है, अल्प मात्रा होती है, तो CaCl2 बन गया और फिर सर HOCl बना। तो इस HOCl को मुझे ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक। फिर क्या मैंने बोला कि जो अपना HOCl है अगर इसका हम लोग अपघटन कराएं तो सर HCl और O के फॉर्म में ये टूट जाता है, तो HCl यानी सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर O जो ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिखा है ना, इसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे नीचे आपको लिखा भी है, नवजात ऑक्सीजन के कारण ही ब्लीचिंग पाउडर विरंजक तथा कीटाणुनाशक का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो इसमें नवजात ऑक्सीजन है इसी की वजह से आप जो रंगीन पदार्थ है ना वो रंगीन पदार्थ कलरलेस में कन्वर्ट होता है ना, रंगीन पदार्थ रंगहीन में पदार्थ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिख रहा है आपको, कोई रंगीन पदार्थ था प्लस ये नवजात ऑक्सीजन, मतलब इसी के साथ रिएक्शन होती है, तब क्या मिला, रंगहीन पदार्थ, ठीक है। यानी कि कलर उड़ाने, यानी कि कपड़े से कलर उड़ाना है ना, और जो
वाटर था वहाँ से कीटाणुओं को मारना, ये एक्चुअल में कौन कर रहा है, ये नवजात ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं पसीना पोछ लूँ फिर आता हूँ, है ना। हाँ जी ठीक है, तो बहुत गर्मी है आज। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो अगर एसिड अधिक मात्रा में है तो सर क्लोरीन गैस, कम मात्रा में है तो हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कि HOCl। ये HOCl फिर विघटित होता है HCl और नवजात ऑक्सीजन में। यही नवजात ऑक्सीजन रंगहीन पदार्थ को, रंगीन पदार्थ को रंगहीन में कन्वर्ट करता है ना। हिंदी काफ़ी अजीब है, रंगीन को रंगहीन, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। ठीक है, अब एक नया टर्म जो आपकी ज़िंदगी में यूज़ हुआ है कि अगर ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिखा हो तो इसे हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे कि एकदम, जैसे कि नया नया न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, एकदम ताज़ा बना बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, नया नया बच्चा, वैसे इसको बोलते हैं हम नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, खैर क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, खैर फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा रिएक्शंस को देखकर आपको डरनी नहीं है। जो मैंने खास खास बात बताई है वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जहाँ पे आपको रिएक्शंस को ध्यान रखनी पड़ती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको बस कि किस केस में क्या बनता है, आपको याद रखना है बस यही। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट आप देखो, क्लोरोफॉर्म बनाना है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी ये होता है। रिएक्शन यहाँ नहीं दिए, रिएक्शन हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है। तो ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन और अल्कोहल, है ना, अल्कोहल के साथ वाटर, एसीटोन अल्कोहल है ना, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, तब जाके मेरे पास क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ठीक है, ये खैर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, बस पॉइंट है। इसके उपयोग, उपयोग अभी तक आप समझ चुके हो, कपड़े वाली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पेपर वाला, लकड़ी का इंडस्ट्री, है ना, वाटर को साफ़ करने में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और क्या है, और कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, तो आप देख लो बस। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, तो वस्त्र उद्योग लिनेन एक कपड़े का टाइप है ना, वहाँ पर विरंजक यानी वही रंग हटाने के लिए, रंगहीन करने के लिए, रंगीन से रंगहीन करने के लिए। ठीक है, रंगीन से रंगीन। ठीक है, ये चीज़ आगे देखो आप। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व लाउंड्री में साफ कपड़े की व्यंजक के लिए। ठीक है, वही चीज़। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, है ना, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, खैर, है ना। तो ये सारी बातें थी जो कि सर ब्लीचिंग पाउडर पर मुझे देखनी थी, है ना। तो मैंने सभी चीज़ें खैर आपको बता दी है, 10th लेवल पे इतना आपको समझ में आना चाहिए। रिएक्शंस में जो मैंने काम की बात बताई है वो आप समझ लेना, एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितना भी कुछ हमने पढ़ा है ना, इतना अगर आप पढ़ के चाहते हो ना 100%, तो इस बात की श्योरिटी है कि आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, है ना। ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन देखा हुआ ना लगे, है ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखे हुए लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल से चीज़ों को पढ़ लिए। ठीक, चलिए खैर। तो खैर हमने ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म कर दिया, अब हम बात करते हैं सर बेकिंग सोडा पे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सॉल्ट, ठीक, जिसका नाम है सर क्या, बेकिंग सोडा। अब हम इस पे आते हैं, बहुत सारी बातें इसमें होती हैं सर, क्या क्या है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखिए बेकिंग सोडा, है ना सर, जिसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है NaHCO3। ठीक है, ये चीज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आप समझो क्या क्या सर इसे बोलते हैं हम लोग, वैसे ये है ना मेटल का बाई कार्बोनेट है, इसे हम पहले भी सुन चुके हैं, है ना सर। एक तो नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या फिर इसी को हम सर क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं ना, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, या फिर सर सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सिंपल से ये बात, ये चीज़। ठीक है, तो नॉर्मल जो नाम है वो सर क्या है, बेकिंग सोडा, यानी कि इसको मार्केट में आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, है ना। बाजार में जाओगे तो आप बेकिंग सोडा बोलोगे तब मिलेगा, है ना, मतलब कि ये नाम चलता है। ऐसे ही सर ब्लीचिंग पाउडर था अपने पास, लेकिन जो केमिकल नेम वो सर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं सर, क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बनता कैसे है, है ना। प्रिपरेशन, आपको याद होगा जब हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा था, साधारण नमक, तो उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वहीं से बन रहा है सर, कैसे, है ना। बेसिकली
सोडियम क्लोराइड का ना NaCl का कोल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, मैं लिख देता हूँ कोल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि ठंडा शांत विलयन, इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम? ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि ब्राइन विलयन के नाम से जानते हैं हम। ठीक, तो सर कोल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन में अमोनिया फ्लो करवाते हैं, है ना। अब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से होती है, ठीक। तब सर मुझे मिलता है NaHCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ओ हाँ, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ये हमने देखा था सर कॉमन सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें जोड़ दी है कि NaCl का कोल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन इसमें यूज होता है, जहाँ पर हम अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। यही अपना सर क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है सर? बेकिंग सोडा। और ये अपना अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जब मैं pH सॉल्ट का pH बता रहा था तब, ठीक है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले ना आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, अभी मैं इसके और इम्पॉर्टेंस चीज़ों पे आता हूँ, ठीक है। तो सर बनता है ऐसे, आपको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी बात सर मैंने क्या बोली कि ये सर अपना अल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। अब सर इस पे आते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिर मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ठीक है। पहले आप कुछ बातें देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, है ना। तो मेन तो बात मैंने आपको बता दी, अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या है सर? यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। तो सफ़ेद क्रिस्टलीय, वैसे ही जैसे कि नमक दिखता था वैसे ही दिखता है ये भी, ठीक है। यह जल में अल्प मात्रा में विलय है, इसका विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। जल में यह अल्प मात्रा में विलय है, इसे हम बोलते हैं स्पैरेंगली सोल्युबल इंग्लिश में, यानी कम मात्रा में विलय है। क्यों है ये चीज़ें अभी हमसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए आप, इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है, ये इसकी भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। चलिए अभी मैं आता हूँ आपको केमिकल प्रॉपर्टी में और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, ठीक। आप देखो जरा रासायनिक गुण, सर पहला गुण क्या है? ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि जब इसे हम हीट करेंगे तब क्या होगा, ठीक। तो आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसे हम हीट करते हैं तो कार्बोनेट बनता है। देखिए जब हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ये बात मैंने पहले भी बता रखा है आपको शायद, हाँ। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट हीट हुआ क्या हमारा सर? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस निकल गई, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, अभी मैं यूज़ करूँगा। अब आगे देखो अम्ल के साथ रिएक्शन, आपको याद है मैंने आपको बता रखा है कि मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की अगर एसिड से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ये वही वाली रिएक्शन है। तो आपको दिख रहा है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl से रिएक्शन हुआ तो सर Na और Cl से NaCl सॉल्ट बना, H2O और CO2 निकल गया, CO2 के ऊपर एरो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। अब देखिए NaSCO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na और SO4 से NaSO4 Na2SO4 करना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। फिर H2O और CO2 निकल गई, ठीक है, H2O और CO2 निकल गई, ठीक है। अच्छा ये समझ में आती है? तो ये दो रिएक्शन मैंने आपको बताई, अब आता हूँ मैं इंपॉर्टेंट वाले बात पार्ट पे, ठीक है। देखिए सर बेकिंग सोडा, अब बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा को अगर हम लोग हीट करें तो सर कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, CO2 निकलती है, ठीक है। नॉर्मल सर प्रिपरेशन ये है, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया क्रिस्टलाइन जैसा है, वाटर में कम सॉल्युबल है, ठीक है, वो सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा का सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है सर। बेकिंग सोडा का यूज़ हम सर करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। अब बेकिंग सोडा सर अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है ना, मिलते हैं थोड़ा सा इसको रफ करने के बाद तब मजा आएगा, है ना। हाँ जी ठीक है। तो सर मैंने ये बोला कि दो टर्म अपने पास है, है ना, आप थोड़ा आप समझना। एक तो है सर अपना बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा सिंपली क्या होता है? NaHCO3, बस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है सिंपल बेकिंग सोडा, ठीक। अच्छा इस बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, किस में सर? बेकिंग पाउडर, ठीक है ये चीज़।
अब देखिए बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिकली ये मिक्सर है किसका सर, NaHCO3 प्लस टार्टेरिक एसिड का, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। यानी कि सर बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड, है ना। बट बेकिंग सोडा इज सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। अच्छा सर इसका फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला बेसिकली ये एक अपना ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, यानी कि ये कार्बनिक अम्ल है जो कि हम कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। खैर मैं आपको बता दूँ CHOH COOH, ठीक है, एंड CHOH COOH, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। हालांकि फार्मूले से कोई भी अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा अभी भी सर आपने बताया कि अगर मैं NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो सर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस CO2 एंड वाटर मिलता है, है ना। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया Na2CO3 है ना प्लस CO2 प्लस वाटर मिलता है ना इसको हीट करने पर, ठीक। अच्छा अब आप थोड़ा सा समझिए, ठीक, ये मिला। अब दूसरा सर क्या था, दूसरा सर मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ठीक। अब देखिए इसमें सर क्या है, NaHCO3 तो है ये सर एक्वस के फॉर्म में, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या है, एसिड है, एसिड से सर आता है H+ आयन। आपको इतना समझना है कि सर एसिड से आता है H+ आयन, ठीक है। अब ये एसिड जो था ना टार्टेरिक एसिड, ये सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है, है ना, और सोडियम, है ना, सोडियम का साल्ट बनाता है ना, सॉल्ट बेसिकली यहाँ पर बनता है सर Na+ एक्वस, है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं सर सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट, सोडियम, सर आप सब इंग्लिश पढ़ा रहे हो आप, सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट, थोड़ा सा रुको आप, टार्ट्रेट, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा रुको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना वही H2O लिक्विड है ना, और CO2 जो है ना गैस के फॉर्म में निकल जाता है, इस तरीके से। अब देखना आप क्या क्या कांड हुआ, ठीक। अब आप समझना थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ क्या ये, ठीक। अब मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ फिर मैं इस पे आता हूँ, ठीक। तो सर क्या होता है कि सोडियम बेकिंग सोडा का यूज़ सर हम करते हैं बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने में, ठीक। अब इस बेकिंग पाउडर का यूज़ हम लोग खाने वाले पदार्थों में करते हैं, ठीक, जैसे कि केक बनाने में और ब्रेड बनाने में, ठीक है। ऐसी कोई भी वस्तु जहाँ पर मुझे ना खाने वाले पदार्थ में फुलाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या होता है कि जो अपना बेकिंग पाउडर है ना वो खाने वाले पदार्थ को फुला देता है। आपने देखा होगा केक में अगर मुझे स्पंजी केक चाहिए, है ना, पफी केक चाहिए, सॉफ्ट केक चाहिए, है ना, तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है, बेकिंग पाउडर की वजह से हो पाता है, ठीक है। क्यों, अब आप समझो, बेकिंग पाउडर में सर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और टार्टेरिक एसिड है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही वो रीज़न है जिस वजह से जो खाने वाली सामग्री ने वो फूल रही है, ठीक। जैसे आप समझ लो आटे का डो था, आटे की लोइया थी, आटा हमने गूंद के रखा था, ठीक, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर मिला के रखा है, बेकिंग पाउडर, ठीक। अच्छा अब जो बेकिंग पाउडर है एक्चुअल में ये सूखा होता है, ड्राई स्टेज में होता है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, है ना। ये रिएक्शन कब करते हैं, जब ये पानी के संपर्क में आते हैं। अब जो मैंने आटा गूंथ के रखा था उसमें सर पानी भी था और मैंने इसमें बेकिंग पाउडर मिला के रखा है, तो उस पानी की वजह से ना ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना आटे के अंदर से निकलती है, उसके अंदर ट्रैप्ड होकर तो ये बुलबुले के फॉर्म में निकलती है, है ना, तभी जो अपना केक या फिर जो ब्रेड होता है ना वो ऐसे फूल जाता है, है ना। तो बस इतना आपको समझना है। अच्छा रोटी के फूलने का रीजन भी यही है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना रोटी के अंदर से, ठीक है, वो अलग है, इस पर हम आते हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा कि जो केक बनाने के लिए, अच्छा मैं कुछ यहाँ पे आपको इमेजेस दिखा दूंगा कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज़ करके कैसे हम लोग केक बनाते हैं, है ना, या फिर जितने भी जो फूलने वाले, है ना, जो अपने खाद्य पदार्थ हैं, केक आपने देखा है ब्रेड बनाने में, है ना, और जो आपने नमक पारा देखा होगा ना थोड़ा सा उसमें बेकिंग पाउडर डाल दो तो नमक पारा अच्छे से फूलता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मुझे खाने वाली चीज़ें में फुलाना होगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे सर, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, दोनों में डिफरेंस अभी हम आते हैं, ठीक है। तो हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे जहाँ पर भी मुझे खाने वाली चीज़ों में फुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तब क्यों फूला सर, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से ना वो फूल जाता है, ठीक है, ये आप रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक। अच्छा अब आप देखो सर क्या होता है कि
जो अपना बेकिंग सोडा था वो आपने बोला कि बेकिंग सोडा केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, इसको भी हीट करने पर इसमें से CO2 गैस निकलती है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने आटे में केवल सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि केवल मैंने बेकिंग सोडा मिला के रखा है, ठीक है, CO2 यहाँ से भी निकलती है हीट करने पर, यानी कि अभी भी वो फूलेगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त इसका जो टेस्ट होगा ना, मतलब कि अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ कर दें तो जो केक या फिर ब्रेड का टेस्ट होगा वो कड़वा टेस्ट होता है। सर कैसा टेस्ट होता है? कड़वा यानी कि बिटर। ये कड़वा टेस्ट इस सोडियम कार्बोनेट की वजह से होता है ना। तो कहानी ये है, तो अगर हम केवल बेकिंग सोडा यूज करें तो जो खाने वाले पदार्थ है ना उसका जो टेस्ट होगा ना वो बिटर आएगा। बिटर यानी सर कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा ना। अच्छा, अगर मैं फुलाने वाले जो पदार्थ हैं अगर मैं उसमें बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर ये दोनों में से कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ ना, तो अगर इनके बिना हम केक बनाए तब केक ना छोटा बनेगा, टाइट बनेगा, स्मॉल बनेगा, फूलेगा ही नहीं भाई, है ना। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका यूज़ हम फुलाने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये आपने बोला। अच्छा, अगर हम केवल बेकिंग सोडा यूज़ करें तो सर टेस्ट कड़वा आता है। कड़वा होने का सर क्या रीज़न है? सोडियम कार्बोनेट इसके पीछे का रीज़न है जो आपने बताया, ठीक है। अच्छा, इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि टेस्ट अच्छा हो, टेस्ट प्लीजेंट हो, मधुर हो, मीठा हो, तो हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करते हैं सर? बेकिंग पाउडर, ठीक। अब ये बेकिंग पाउडर क्या करता है, इसमें जो टार्टरिक एसिड है ना, टार्टरिक एसिड इस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है ना। ये टार्टरिक एसिड इस सोडियम कार्बोनेट को ख़त्म करता है, यानी कि इस कड़वे वाले स्वाद को ख़त्म करता है, और ख़त्म करके सोडियम साल्ट बनाता है टार्टरेट का, यानी कि जो अपना टार्टरिक एसिड था ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनवाता है जिसका सर नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट, है ना। अब ये बाकायदा पूरा फार्मूला है, लेकिन मुझे भी सोडियम से मतलब है तो मैंने यहाँ पर सोडियम लिख दिया है, ठीक। तो बात समझे, है ना। तो दो डिफरेंट थिंग, यानी कि सर ये अपना एसिड Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट बनवा रहा है। अब इसका स्वाद मीठा होता है, इस सॉल्ट की वजह से ही अब मेरा खाने वाले पदार्थ में टेस्ट आता है ना, तभी मुझे केक वगैरह खाने में अच्छे लगते हैं, है ना, ये चीज़। तो एक घंटा हो गया, मैं थक चुका हूँ, है ना। इसकी वजह से प्लीजेंट टेस्ट का मतलब मधुर टेस्ट आता है, मधुर, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक। तो आपको हो गया क्लियर, है ना। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी कि बेकिंग सोडा अलग था, बेकिंग पाउडर अलग था। अब इसकी वजह से सर कड़वा टेस्ट आता है, लेकिन पाउडर की वजह से सर प्लीजेंट टेस्ट आता है, ठीक। और CO2 निकलने की वजह से ना अपने जो खाद्य सामग्री वो फूलती है, उसमें पफीनेस आता है, ये सारी बातें, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ, खैर, है ना। अब देखिए आप, अब मैं इसका कुछ यूजेस बताऊँ, है ना। चलिए यूजेस को छोड़ो, अभी एक और चीज़ देख लो, है ना। अब देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, सोडा एसिड, ठीक है, अभी हम आते हैं। तो मैंने इतनी बातें तो बताई। अच्छा, बेकिंग सोडा का एक यूज सर और है एंटा एसिड बनाने में, ठीक। इससे पहले मैंने आपको एंटा एसिड पढ़ाया था, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा बेकिंग सोडा का यूज हम लोग, है ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज़ करते हैं। सर कैसे हैवी नाम ले रहे हो, जो अपना अग्निशामक यंत्र होता है, जो लाल लाल सा कैन डिब्बा आपने देखा होगा, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्र में इस बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। आग बुझाने वाले यंत्र को हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो एक वर्ड है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक। ये चीज़ मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक। आप देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आप देख पा रहे हो कि ऊपर एक नोजल यानी कि मुख, जहाँ से हम लोग का गैस निकलेगी, आपको दिख रहा है कैप लगी है, ठीक। दो इमेज दिख रहा है, एक लाल लाल दिख रहा होगा आपको डिब्बा सिलेंडर, जिसके नीचे लिखा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो बेकिंग सोडा का यूज हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं, ठीक। कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही है ना, सब बता दिया मैंने। अच्छा, अब आप देखो सेकंड इमेज में, देखो क्या होता है ना कि सिलेंडर के अंदर एक तो बेकिंग सोडा का सोल्यूशन है, दूसरा सर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का, दिख रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन नीचे है, फिर आप देखो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है ना, फिर देखो आप एक ट्यूब है, फिर बॉटल है, ठीक, फिर इग्निशन ट्यूब वहाँ पे लगी है, ठीक, थ्रेड यानी कि धागा है ना। खैर क्या होता है कि इस यंत्र को यूज़ करने से पहले हम पलट देते हैं ना, पलट देते हैं ऐसे जिससे कि रिएक्शन करे। मेन मकसद आप समझो, है ना, कि जो अपना बेकिंग सोडा है इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है,
ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपको पता ना ये बाइकार्बोनेट है, एसिड से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ठीक। तो जब इस सिलेंडर में रिएक्शन होती है तो CO2 गैस बहुत ही हाई प्रेशर के साथ लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलती है, सिलेंडर से बाहर निकलती है, ठीक। अब देखिए, जहाँ भी कहीं आग लगी है, आग कैसे लगती है, एयर के संपर्क में कोई अगर वस्तु एयर के संपर्क में आता है तब वहाँ पर आग लग जाती है और वो वस्तु जलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो CO2 गैस निकल रही है ना लिक्विड के फॉर्म में, ये उस वस्तु से ना इस एयर के संपर्क को हटा देती है ना, यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट, जो अपना पदार्थ था जिसमें आग लगी हुई थी, उस पदार्थ के ऊपर ये CO2 की एक लेयर बना देता है ना, CO2 का एक लेयर। अब ये लेयर इस पदार्थ को और वायु को अलग अलग कर देता है ना। जब ये पदार्थ वायु के संपर्क में है ही नहीं तब ये जलेगा ही नहीं, तो इस तरीके से आग बुझ जाती है, ठीक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फायर एक्सटिंग्विशर के का यूज़ करके, समझे सर। कोई पदार्थ था, ये जल रहा था, क्यों जल रहा था, क्योंकि ये वायु के संपर्क में था। अगर मैं इस पदार्थ को वायु के संपर्क से हटा दूँ तो ये बुझ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो जो अपना सिलेंडर था इसके अंदर सर क्या भरा था, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको उल्टा करके इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद CO2 गैस निकलती बहुत ही हाई प्रेशर के साथ लिक्विड के फॉर्म में। अब ये CO2 गैस इस पदार्थ के ऊपर एक लेयर बनाती है ना, जिससे कि इस पदार्थ का हवा से संपर्क हट जाता है और हमारी आग बुझ जाती है, ठीक है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि होने को बहुत सारी बातें होती है। तो मैंने आपको दिखा दिया सर सिलेंडर लाल वाला और एक डायग्राम आपको दिखा दिया, ठीक। ये लास्ट यूज समझे, तो ख़त्म होता है। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज़ करते हैं, यानी कि अग्निशामक यंत्र में, जिसे हम है ना सोडा एसिड, सोडा अम्ल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और ये मैंने आपको बता दिया बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना। और ये टार्टरिक एसिड वाला जो भी मैंने कांड बताया, टेस्ट वगैरह, ये अब मेरे ख्याल से क्लियर है ना। इसके जगह हम लोग सिट्रिक एसिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने सिलेबस में टार्टरिक एसिड यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग एज ए एंटी एसिड भी यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, अब मैं वो NCERT वाली लाइन आपके लिए पढ़ देता हूँ लास्ट, ठीक। आप देखो है ना क्या लिखा है, बेकिंग सोडा के उपयोग देख रहे हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग। पहला क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक एसिड जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बेकिंग पाउडर है इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। जब बेकिंग पाउडर को हम गर्म करते हैं या फिर जल में मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होती है। तो जो मैंने रिएक्शन आपको यहाँ पर अच्छे से लिख के बताई वही वहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, समझे ये जी। अब आप देखो, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी जो बंद होता है ना, है ना, या फिर केक में खमीर उठाया है ना, फूलना उभरना है ना जा सकता है, तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी होता है, ठीक। तो भाई इस रिएक्शन से जो CO2 गैस निकले, इस वजह से जो अपना केक या फिर जो ब्रेड था, ब्रेड यानी पावरोटी, वो स्पंजी हुआ, फूला, ठीक है, बार बार वही बातें। अब देखिए आगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटा एसिड का एक संगठन है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर में राहत पहुंचाता है, ठीक है। वही चीज़ कि एसिड अल्कलाइन होने की वजह से ये है ना एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि एंटा एसिड के तौर पर यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो लाल वाला सिलेंडर, सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, क्योंकि अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाती है ना। जो अपना अम्ल, फिर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन किया, CO2 बना, यही CO2 आग को बुझाई, ठीक है, बात खत्म। अगली क्लास में हम लोग आते हैं वॉशिंग सोडा से, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बता दी आपको इस बेकिंग सोडा के बारे में, जितना भी हमें 10th क्लास में पूछ सकता था ये सारी बातें, ठीक है। मैंने बार बार चीज़ों को रिपीट भी कर दिया है, अब नहीं बोलूँगा, ठीक। तो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए सॉल्ट के साथ। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।